स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल गैजेट गर्ल में। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस बॉक्स की। गाइस इसमें क्या है गाइस वो आपको ओपन करने के बाद पता चल जाएगा। तो आज इस बॉक्स की हम अनबॉक्सिंग करेंगे आपके सामने और आपको दिखाएंगे इसमें हमने क्या ऑर्डर किया है गाइस। सो वीडियो पर बने रहिएगा। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते हैं गाइस। सो फिर चलिए फटाफट से इसको ओपन करते हैं बॉक्स पर आपको दिखाते हैं इसमें क्या है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं गाइस इसमें क्या निकलने वाला है। काफी बड़ा बॉक्स आपको नजर आ रहा है गाइस। ठीक है तो चलिए इसको ओपन करते हैं जल्दी से सो फ्रेंड्स फाइनली हमने बॉक्स को रख दिया है टेबल के ऊपर गाइस। तो चलिए इसको फटाफट से करते हैं ओपन, उसके बाद आपको दिखाते हैं गाइस किस तरह का शोकेस हमें इसमें मिला है गाइस। ठीक है तो चलिए फटाफट से इसको कट कर देते हैं। तो ये पन्नी इसमें टेप लगी हुई है गाइस, काफी अच्छे से इसकी पैकिंग हो रखी है। तो गाइस इसको हटा देते हैं, हमें चाकू की हेल्प से इसको हटा रहे हैं गाइस। ठीक है क्योंकि काफी सारी टेप इसमें लगी, तो ये फाइनली लगभग ओपन हो चुका है गाइस। ठीक है टेप इसका हट चुका है। तो गाइस ये हमने कर दिया है ओपन और देखिए गाइस इसमें कितने सारे पाइप हैं, छोटे बड़े और उससे भी छोटे गाइस कई तरह के पाइप हैं। और ये कुछ ब्रैकेट इसमें दिए हैं, इस पन्नी में काफ़ी सारे ब्रैकेट्स हैं जो तिकोने साइज के यानी कि ट्रायंगल शेप में हैं। तो ये ब्रैकेट्स हैं जिसकी मदद से हम इनको एक सोज केस में तैयार करेंगे गाइस। ठीक है तो ये हैं मीडियम साइज यानी कि जो बड़े पाइप हैं उनसे छोटे हैं थोड़े से, और ये सबसे लंबे पाइप हैं इसमें सबसे बड़े वाले और काफ़ी हैं पाइप भी 12-13 मतलब पीस हैं गाइस। काफ़ी अच्छे पाइप इसमें दिए हैंवी क्वालिटी के, ये मेटल में है गाइस। और गाइस ये है सबसे छोटे वाले पाइप। ठीक है तो इनको कैसे हमें तैयार करना है उसको हम दिखाएंगे पूरा, इसका क्या गाइस इसको करेंगे पूरा सेटअप करके आपको दिखाएंगे इसको असेंबल करके। ठीक है गाइस तो ये इसका मैनुअल दिया हुआ है गाइस, इस तरह से इसको हमें असेंबल करना है इसका। तो ये असेंबल की पिक्चर्स दी हुई है गाइस। ठीक है स्टेप से 1, 2, 3 इस तरह से करके, तो स्टेप बाय स्टेप हमें पिक्चर्स की दी हुई है गाइस। ठीक है तो ये है इसमें कुछ कपड़े का कवर जैसा दिया है गाइस। देखिए तो ये है गाइस ग्रे कलर का है और ये कपड़ा का कवर है गाइस। ठीक है तो इससे हम अपने शूज के इसको ढक देंगे। और ये इसमें जिप दी हुई है जिसकी मदद से हम फ्रंट पार्ट को खोल के और अपने आराम से जूते चप्पल को अंदर रख पाएंगे और डेली निकाल पाएंगे। तो ये है शूज का जो है यहाँ पे शूज केस का कवर है गाइस। ठीक है और ये है छोटे छोटे वो जिससे कि हम जो स्लैब बनाएंगे गाइस। ठीक है इनकी मदद से हम यहाँ पे 3-4 दिए हुए हैं और इनमें साइडों में पाइप हमें डालने होंगे। तो गाइस 3 है ये मेरा, ये 4 स्लेब्स हमें बनानी है इसमें। तो ये सारी कपड़े की, तो इस तरह से हमें दोनों साइड पाइप लगाना है और इसको इस तरह से हमें सारी स्लेब्स को इसको रेडी कर लेना गाइस। और इन ब्रैकेट्स को लगा के इस तरह से ब्रैकेट्स को लगा देना गाइस, ये ऊपर की साइड इनका मुंह होना चाहिए इस तरह से गाइस। ठीक है तो ये ऐसे लगा के इसके अंदर भी पाइप हमें डालना है। तो गाइस ये हमें साइड में इसकी लेंथ के पाइप लगाने गाइस। देखिए गाइस छोटे वाले से जो बड़े वाले पाइप है ये वाले पाइप हमें ऐसे लगा देने। तो ये कुछ इस तरह से हमारी एक स्लैब बन जाएगी जिससे हम अपने आसानी से जूते चप्पल को रख सकते हैं। और इस शूज केस में गाइस हम 20 से 22 जोड़ी चप्पल जूते इसमें रख सकते हैं बहुत आसानी से, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में आपको ये मिल गया है, काफ़ी अच्छे दाम में आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हमें खड़े करने गाइस इसके ये पिलर जैसे, तो ये सारे पाइप आपको कुछ ऐसे लगा लेने हैं और इस तरह से ये खड़े कर लेने छोटे वाले पाइप को। तो गाइस फटाफट से हम इसको तैयार कर लेते हैं पूरा, उसके बाद आपको दिखाएंगे पूरा बना के। तो हमें सारा ऐसे ही बना लेना गाइस, इसको असेंबल इसी तरह से करना गाइस। ठीक है सो फ्रेंड्स ये असेंबल हम करने में बहुत आसान है, आपको इसको असेंबल करना बहुत इजी है गाइस। ठीक है आप पिक्चर देख के जो हमने यहाँ पे मैनुअल की पिक्चर आपको दिखाई उसको देख के आप आसानी से इसको असेंबल कर सकते हैं। तो गाइस हम फटाफट से इनमें सारी स्लेब्स को लगा के पाइप्स को लगा के आपको दिखाते पूरा इसको रेडी करके गाइस। ठीक है तो ये पूरा बन जाएगा उसके बाद आपको इसको दिखाते हैं गाइस। ठीक है तो फटाफट से हम इसको रेडी करते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारी शूज रैक जो है रेडी हो चुकी है और कुछ इस तरह से आपके सामने ये खड़ी हो गई है बनकर तैयार। तो गाइस ये देखिए काफी अच्छी इसमें 4-5 स्लैब्स हमारी बन गई है गाइस। तो इस तरह से आप इसमें जूते चप्पल रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आसानी से आपके 20-25 जोड़ी इसमें जूते चप्पल आ जाएंगे। और अब हम इसका कवर लगा रहे हैं गाइस। ठीक है तो ये है इसका कवर। ठीक है तो इस तरह से हमारा शूज रैक को कवर कर लेगा ग्रे कलर का, तो इससे आपके चप्पल जूते में धूल मिट्टी नहीं डलेगी गाइस। ठीक है जो धूल मिट्टी उड़ती है बाहर वो आपके चप्पल जूतों को गंदा नहीं कर पाएगी। तो इसमें आप अच्छे से अपने जूते चप्पल को सजा सकते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव इसको लगा सकते हैं गाइस। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में गाइस, एक जगह में कोने में आपको फिट हो जाएगा और कोई आपको इस ये एकदम पोर्टेबल है और इसका। सो फ्रेंड्स ये एकदम पोर्टेबल शूज रैक है जिसमें आप जूते चप्पल को रख सकते हैं और जब आपका यूज नहीं तो गाइस इसको आप होल्ड करके यानी कि इसके पाइप वगैरह को निकाल के इजीली आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं गाइस। ठीक है तो इस तरह का ये शूज रैक है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इसमें रैक यहाँ पे बन चुकी है।
और इसको यहाँ पे गाइज जिप की सहायता से इसको रोकने के लिए, इसका पर्दा है बंद होने वाला, इसको यहाँ पे गाइज रोकने के लिए भी कुछ लगाया हुआ गाइज। देखिए कितना सुंदर ये लग, तो कितना प्यारा गाइज ये मुझे लग रहा है देखने में, कितना सुंदर लग रहा है। 58x75 इसकी विड्थ एंड लेंथ है गाइज, और काफी अच्छा है, 450 का मुझे ये पड़ा है गाइज। तो आप इसको खरीद सकते, खरीदना चाहते तो गाइज। सो फ्रेंड्स, मुझे ये सोच रहे थे जो बहुत ही प्यारा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत ही कम दाम में ये मुझे पड़ा है 450 का। और गाइज यहाँ पे आपको ये स्टैंड नजर आ रहा है गाइज इसको रोकने के लिए, तो गाइज ये जीप आप इसको खोल के इसको पूरा पैक कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं गाइज। देखिए और बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब।